गुड इवनिंग मेरे साथियों मेरे फ्रेंड्स मेरे बच्चों लूसेंट की कक्षा में लेक्चर नंबर 40 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार नमस्कार और सभी गुरुजनों को माता पिता का आशीर्वाद बना रहे और जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता का भी मैं प्रणाम करता हूं सभी बच्चों भाई साहब कल हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया था बाकी जो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हैं वो पीसीएस एग्जाम में आती हैं इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है वन डे एग्जाम में अब बात हम लोग करते हैं किसके बारे में बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में बहमनी वंश के बारे में बात करते हो, उसके पहले मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ एक आर्यन कुमार मैरी ममता मिश्रा अलका गुर्जर वानी कनौजिया आशा चौधरी निधि ओझा अंशु कुमारी ये जितने भी बच्चे हैं आरजू सैफी शुभ्रा शुक्ला काजल सिंह ये जितने भी बच्चे हैं अमृता शर्मा ये जितने भी बच्चे हैं भाई साहब सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने कल का प्रश्न का आंसर बिल्कुल सटीक दिया था कि विजयनगर का अर्थ क्या होता है तो विजयनगर का अर्थ होता है भाई साहब जीत का शहर विक्ट्री कहते नहीं है सिटी ऑफ विक्ट्री मतलब जीत का शहर विजयनगर को कहते हैं तो अब यहां बात करेंगे बहमनी साम्राज्य और बहुत बड़ी चीज है आज तक अभी तुम नहीं समझ पाए वो हु इज बहमनी बहमनी कौन थे आखिरकार क्या राज था क्या रीजन था लेकिन आप हमसे पढ़ लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको ठीक है चलिए बहुत बढ़िया नितेश सुमन कृति सब बच्चे बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार नमस्कार है ना चलो तो बच्चों एक बार फटाक से वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो और फटाफट फड़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कर दो ठीक है और मैं बताना चाहता हूं जितने बच्चे अभी त्रिशूल बैच से नहीं जुड़े हैं वो त्रिशूल बैच से जुड़ सकते हैं क्योंकि भाई साहब इससे बढ़िया बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला तुरंत गूगल प्ले स्टोर में जाके त्रिशूल बैच ज्वाइन कर सकते हो और त्रिशूल बैच के लिए ऑलरेडी नंबर आपको पता होना चाहिए इस नंबर पे आपको कॉल करना है ठीक है वहां बेहतरीन तरीके से आपको पूरा का पूरा फुल जीएस मिल रहा है ठीक है चलिए तो इस नंबर पे आप त्रिशूल बैच ज्वाइन करने के लिए बात कर सकते हो चलिए अब बात हम लोग करते बच्चा आज बहमनी साम्राज्य की तो हेडिंग लगाते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से बहमनी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य तो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर नहीं समझ में आएगा तो भाई साहब तुम्हारा पढ़ना लिखना पूरा का पूरा बेकार है ये भारत का दक्षिण एरिया था दक्षिणी भाग था भारत का जिसको हम लोग प्रायदीपी भारत के नाम से भी जानते हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि भाई साहब मैंने बताया था ये वाला जो एरिया है ये वाला ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता था विजयनगर जो कर्नाटका में एक हम्पी पड़ता है जो राजधानी बनी थी विजयनगर साम्राज्य की जो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे यह साम्राज्य स्थित था और मैं आपको बता दूं इसी के पैरलर और ये इसी के पैरलर भाई साहब ये गुजरात तो और महाराष्ट्र वाला ये वाला एरिया जो बना ये वाला ये वाला पूरा का पूरा बना क्या बहमनी वंश साम्राज्य बहमनी इसके बारे में बहुत बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है मजा आ जाएगा तुम्हें समझने में ठीक है चलिए

दक्कन का एरिया जब जोग्राफी में तू बच्चा पढ़ेगा जाके दक्कन दक्कन बहुत बढ़िया है दक्कन का पठार मिलेगा दक्कन का पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है तो बेसाल्ट चट्टानों से बेसाल्ट चट्टानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो भाई साहब ज्वालामुखी का उद्गार होता है लावा निकलता है जमीन के अंदर मैग्मा रहता है मैग्मा जो बाहर निकलता है जम जाता है तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है एक प्रकार से लावा बन जाता है और लावा से बनता है बड़े बड़े चट्टान बेसाल चट्टान और बेसाल चट्टान जब टूटती है तो काली मिट्टी जो रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है और उससे जो निर्माण होता है उसका निर्माण होता है दक्कन का और दक्कन वाले एरिया में बहमनी साम्राज्य ने अपना शासन बसाया था क्लियर अब बात समझना बहुत ध्यान से कैसे समझेगा तू बच्चा मेरी बात को बहुत गौर से ध्यान देना यहां पे जो पड़ता था यह वाला जो एरिया था दिल्ली सल्तनत का एरिया था और दिल्ली सल्तनत पे मैंने बताया था शासन किसका था मोहम्मद बिन तुगलक का था मोहम्मद बिन तुगलक का था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तेरह सौ छत्तीस ईस्वी में हुई थी कल मैंने पूरी स्टोरी बताई थी और इसी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही तेरह सौ सैंतालीस ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती लेकिन इसके पीछे एक रीजन था इसके पीछे एक रीजन था मेरे भाई रीजन क्या था तो बात समझना जो ये दक्कन का एरिया था जो ये दक्कन का एरिया था भाई साहब तो दक्कन के एरिया में क्या हुआ जो दक्कन का एरिया था भाई साहब दक्कन के एरिया में हुआ क्या तो दक्कन के एरिया में हुआ ये कि यहां पर विदेशी मुस्लिम विदेशी मुस्लिम जो थे भाई साहब विदेशी मुस्लिमों को यहां पर क्या किया गया था विदेशी मुस्लिमों को यहां पर नियुक्त किया था किसने नियुक्त किया था भाई साहब सिंपल सी बात है किसके समय में पूरा पूरा षड्यंत्र चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मतलब अपनी भाषा में कहें राघव सर की भाषा में कहें एम बी टी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जिसको रक्त पिपासु पागल स्वप्नशील इन उपाधियों से जाना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को तो मोहम्मद बिन तुगलक का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी मुसलमानों की नियुक्ति की थी कहां पर नियुक्ति की थी भाई साहब दक्कन वाले एरिया में विदेशी मुस्लिमों की नियुक्ति की थी क्लियर है अब बात आती है इन विदेशी मुस्लिमों को क्या कहा जाता था बहुत प्यारा सा प्रश्न बनता है इन विदेशी मुसलमानों को क्या कहा जाता था तो याद रखिएगा अमीरान सदा अमीरान सदा भाई साहब ये सारे के सारे जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विदेशी मुस्लिम यहां पर नियुक्त किए गए थे उनको क्या कहा जाता था अमीर आने से था लेकिन दिमाग इतना पागल है नहीं है दिमाग फिर से सोचने लगा कि मास्टर साहब आपने तो बता दिया मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन में विदेशी मुसलमानों को नियुक्त किया किस लिए नियुक्त किया क्या रीजन हो सकते हैं भाई साहब क्या वहां पे गंतड़ी खिलवाई जा रही क्रिकेट मैच के लिए अंपायरिंग के लिए नियुक्त की जा रही मैंने रीजन तो अभी बताया नहीं तो मेरे बच्चा तू रीजन तो सुन मेरे बच्चा तू रीजन तो सुन रीजन जब तक नहीं सुनेगा तब तक तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा कैसे नहीं पड़ेगा तो मेरी बात समझना जो विदेशी मुसलमानों की यहां पे नियुक्ति की थी वो भाई साहब अमीरान आने सदा के नाम से पूरा का पूरा ग्रुप कहलाता था अब ये इनका काम क्या होता था तो बात समझना अमीरान आने सदा होते कौन होते थे पचास गांवों का पचास गांवों का जमीदार। तो भैया पचास गांवों का जो जमीदार है पचास गांव के जमींदार को कहते थे अमीरान ए सदा मतलब फिफ्टी विलेज का जो मालिक होता था जमींदार होता था उसको कहते थे अमीरान ए सदा क्लियर है अब बात आती है कहने का मतलब है एक अमीर अमीरान ए सदा एक अमीरान ए सदा पचास गांव का जमींदार होता था तो कहने का मतलब है भाई साहब इन्हीं अमीरान ए सदा में एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसका नाम क्या था इन्हीं अमीरान सदा में एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसका नाम था भाई साहब अलाउद्दीन हसन, हसन, हसन बहमन शाह अलाउद्दीन हसन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और इसी को कहते थे इसका और उपनाम अथवा इसी का एक दूसरा नाम था जिसको कहते थे हसन गंगू तो भाई साहब कोई हसन गंगू कहीं से और नहीं आया था ये एक विदेशी मुसलमान था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सदा के नाम से गांव का जो जमींदार होता था भाई साहब पचास गांवों का जो जमींदार होता था अमीरान ए सदा अमीरान ए सदा पचास गांवों का जमींदार क्लियर है तो मेरे भाई विदेशी मुसलमान के नाम ये पद और उन्हीं में से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमनसा अथवा हसन गंगू इसको एक ही नाम था हसन गंगू इसी का नाम था अलाउद्दीन हसन बहमनसा अर्थात हसन हाँ गंगू तो इसने तेरह ईस्वी इस में इसने तेरह ईस्वी इस में एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है जिसका नाम पड़ा बहमनी साम्राज्य या बहमनी वंश बहमनी साम्राज्य या बहमनी वंश भाई साहब ठीक है चलिए बहुत प्या, प्यारा सा प्रश्न समझ में आ गया जबरदस्त हाँ गौरव जी कहां से देखे बेटा जहां से चालू किया वहां से देख ले मेरे भाई है? क्या यार मजाक करता तू और देख जितना देख रहे ना जितने यहां बच्चे देख रहे भाई साहब इतना बेहतरीन टॉपिक बता रहा हूं जीवन भर आज तक नहीं पता था तुझे बहमनी इज बहमनी नाम तक का नहीं पता था तुझे आज पता चल गया बैमनी का मतलब था विदेशी मुसलमानों की नियुक्ति किसके लिए पचास गांवों के जमींदार के लिए कौन सा एरिया था दक्कन वाला महाराष्ट्र गुजरात का एरिया पड़ता था तभी भी तुम ना पढ़ा लाइक शेयर कर पा भाई साहब लानत है तुम पे लानत है तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं भाई साहब तुम प्यार व्यार नहीं करते सही बताते हैं है ना चलो मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बच्चा एक अच्छे का अच्छा प्रश्न समझे ठीक है एक अच्छा का अच्छा प्रश्न मुझे लेकिन मेरा बच्चा चाहता है ये मास्टर जो है ना यहीं तक सीमित हो जाए ये मास्टर यहीं तक सीमित हो जाए क्योंकि भाई साहब हमारे विरोध में आप ज्यादा हो ठीक है हमारे विरोध में ज्यादा हो बस इस लेना है साइड हो जाओ इधर हो जाओ मैं अपनी बात कह दू तो उसमें मैं बुरा हूं चलो कोई बात नहीं तुम ही अपना करवा लो ठीक है चलो कोई बात नहीं बेटा न वीडियो तुम लोग शेयर करते हो न लाइक करते हो जब मैं कहता हूं तब करते हो यार क्या मतलब तमाशा बना के रखा मेरा है चल चलिए बहुत बढ़िया कोई नहीं बेटा जितना सताना हो सता लो गुरु तुम्हारा सताया जा रहा है तुम लोग उधर सता लो कोई बात नहीं भाई साहब जिस दिन मैं नहीं हूँ तब याद करोगे यार थोड़ा बहुत तो याद करोगे ही हाँ एक मास्टर था जो भाई साहब निस्वार्थ होकर एक एक चीज बताता था वरना क्या जरूरत थी मेरे को यार मैं डायरेक्ट बोल देता बहमनी गंगू दैट इज कैपिटल ऑफ गुलबर्गा बस लैंग्वेज मराठी काम का खत्म अच्छा आज का मॉनिटर बना दे चलो आज का मॉनिटर हम बना देते हैं हरिमोहन राव रावत जी को हरिमोहन रावत जी के ऊपर पूरी पूरी हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं ठीक है चलिए हरिमोहन रावत जी को आज की जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभानी है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त क्लियर हो गई बात हाँ देखो यार एक बार सब लोग लाइक कर दिया करो और फिर शेयर कर दिया करो जितने लोग देखा करो ये सोचा करो कि अगर एक एक दो दो बढ़ाते हैं तो राघव सर की कक्षा अभी बच्चे ज्यादा दिखने लगे कितनी प्रसन्नता होगी यार दिल में मतलब एक दिल को तसल्ली मिलेगी सुकून मिलेगा यार कितना चाहते हो तुम और पूरी हम जान लगा देंगे यहां पढ़ाने में हम बता रहे पूरे यूट्यूब में तुम चाहे पैसा देके पढ़े हुई हो चाहे फ्रीम पढ़े हुई हो फ्री वाला मामला जानते तो, पैसों वाला जाने तो हमारे पेड़ कोर्स की तुलना कर लियो तुम दूसरे पेड़ थे यो, और यो ऐसे है उनका पेड़ कोर्स हमारा फ्री बराबर यो मान चलो तुम ठीक है ये याद समझ चलना उन दूसरों का पेड़ हमारा फ्री ये बराबर है इज इक्वल टू बैठेगा जो तुम लोग महंगे महंगे पांच पांच दस दस हजार को कोर्स खरीदते हो पीसीएस के आईएएस के अब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते ने फिर कहोगे अपने आप को ज्यादा लगाते लेकिन लगाते नहीं हमने सब देख लिया क्या मार्केट है क्या कैसे लोग हैं केवल यहां पे टाइम पास करते बच्चों का चलो इतनी बात समझ में आ गई हम्म बहुत बढ़िया अब के बारे में जो पॉइंट है वो देख लेते फटाख से तो इसलिए हमेशा यार अगर कोई मास्टर तुमको फ्री में पढ़ा रहा है तो उसका यार वैल्यू समझो यार क्या हमारी वैल्यू इतनी है कितने बच्चे पढ़ाने लायक की वैल्यू है यार हम है इतने बच्चे पढ़ाने लायक की वैल्यू है तो कोई बात नहीं अगर तुमको इतना लगता हो तो भाई साहब इतना ही रखो कोई दिक्कत नहीं ठीक हम इतना ही पढ़ाते रहेंगे आज चालीसवीं क्लास है आदमी प्रोग्रेस देखता है प्रमोशन देखता है ना कि डिमोशन और हमारा डिमोशन कर रहे हो क्यों क्योंकि ज्यादा मतलब एक प्रकार से पूरी पूरी चीजें बता दे रहा हूं ना चीजें तोड़ तोड़ बताता मजेदार बताता तो मजा आता बात ये होती है यार मुझे खुद ये चीज रिलाइज हुई है चलिए क्लियर है फिर भाई साहब बैमनी साम्राज्य का देखो बैमनी साम्राज्य के फाउंडर या संस्थापक किसे कहा जाता तो आप सबको पता चल गया किसको कहा गया हसन को किसको कहा गया हसन को या अलाउद्दीन बैमन जो हसन साथ है। इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई मतलब राजधानी किसको बनाई तो वही महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गुलबर्गा गुलबर्गा को और इन्होंने अपने साम्राज्य की भाषा लैंग्वेज किसको रखा भाई साहब मराठी को क्लियर तो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी तीन पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तीन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण और इसके बारे में हसन गंगू के बारे में एक बात अगर बोले इसने जजिया कर नहीं वसूला जजिया कर नहीं वसूला अब जजिया कर क्या होता था तो वो भी समझ लो भाई व्हाट इज जजिया टैक्स तो जजिया कर याद रखना क्या होता है जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था किससे लिया जाता था गैर मुसलमान और सबसे बड़ी बात चाहे गैर मुसलमान कह लो मतलब जो मुसलमान नहीं होंगे उनसे लिया जाता था या एक तरह से कह सकते हो मूर्ति पूजक जो लोग मूर्ति की पूजा करते थे जैसे हिंदू हो गए बौद्ध हो गया ना इन सब भाई साहब जजिया उनसे लिया जाता था और जजिया की समाप्ति किसने की थी का अंत किसने किया था तो भाई साहब अकबर ने किया था ये भी आपको आगे आके मिलेगा ठीक सन 1564 है फिर आगे बात समझना तो हसन गंगू जो बहमनी साम्राज्य का था वो जजिया कर नहीं वसूलता था ठीक है वो जजिया कर नहीं वसूलता था सबसे बड़ी बात एक और बता दें हम आपको कि इसने गुलबरगा का नाम बदला था गुलबर्गा का इसने क्या किया था नाम चेंज किया था नेम चेंज क्या नाम रखा एहसानाबाद और एहसानाबाद भाई साहब पढ़ता कहां पर है एहसानाबाद पढ़ता है कर्नाटका में क्लियर है एहसानाबाद नाम किसका रखा गुलबरगा का किसने चेंज किया हसन गंगू ने तो हसन गंगू के सारे के सारे पॉइंट यहीं पर हो जाते हैं समाप्त अब जो अगला शासक जो यहां पे गद्दी पे बैठेगा दूसरे नंबर का जो इंपॉर्टेंट है वो महत्वपूर्ण है मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह टाइम पीरियड भाई साहब हमें पढ़ने नहीं क्योंकि क्यों कंफ्यूज होना इतने महत्वपूर्ण तो भाई साहब बहमनी साम्राज्य के राजा थे नहीं तो भाई साहब जिनका हम टाइम पीरियड पढ़ें ठीक सबसे पहला प्रश्न आता है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किसने किया कहने सारी चीजों को बिल्कुल विधिवत तरीके से का प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किसने किया भाई साहब मोहम्मद शाह सा ने दूसरा पॉइंट आता है कौन सा बैमनी वंश का राजा था जिसने सबसे पहले बारूद का यूज किया युद्ध में बारूद का प्रयोग किसने किया भाई साहब इसने और हमने कल एक युद्ध बताया था जिस युद्ध का नाम था ताली कोटा का युद्ध बन्नी हट्टी का उस युद्ध का नाम बताया था मैंने ताली कोटा चाहे कह लो चाहे बन्नी हट्टी कह लो और चाहे उसको राक्षस तांगड़ी कह लो राक्षस तांगड़ी कह लो आप कुछ भी कह सकते हो और यह युद्ध हुआ कब था पंद्रह में किसके किसके बीच एक तरफ थे भाई साहब बहमनी साम्राज्य और एक तरफ था भाई साहब विजयनगर तो पेपर में प्रश्न आता है बहमनी साम्राज्य का शासक कौन था तो भाई साहब मोहम्मद शाह तो यहां पे आप लिख सकते हो इसी के समय इसी के समय बस एरो कर दो आप खुद समझदार हो इतना यह युद्ध हुआ पंद्रह में एक तरफ बहमनी साम्राज्य और एक तरफ विजयनगर अब बात आती है विजयनगर की तरफ शासक कौन था उस समय इस युद्ध के दौरान तो याद रखिएगा बुक्का प्रथम बुक्का प्रथम तो उम्मीद करते आपको हसन गंगू और मोहम्मद शाह के बारे में एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया रवि सिंह सीतापुर जिले से प्रणाम बेटा स्वीकार करते हम आपका प्रणाम जो इतना प्यार से आप लोग मुझे प्यार करते हो बस एक ही चीज की कमी रहती है हमारे तुम्हारे बीच जो संबंध नहीं जोड़ पा रही है तुम्हारा शेयर और लाइक है ना चल तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में बिल्कुल इसका पी भी मिल रहा है इसका पी भाई साहब इसका पी जो है कहा मिलेगा आपको पता है सबको पता होना चाहिए स्टडी पाई ऐप पर स्टडी पाई ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाइए आप स्टडी पाई एप डाउनलोड करो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा क्लियर है अच्छा दिख नहीं रहा चलो मैं नीचे करे दे रहा हूं स्टडी पाई इस एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिलेगा स्टडी पाई पे क्लियर है तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया हरिमोहन रावत जी आज के मॉनिटर हैं उनका कहना है सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दिया जाए और लाइक कर दिया जाए राघव सर का मनोबल दोगुनी गति से बढ़ाया जाए तो भाई साहब हरिमोहन जी ने कह दिया है तो बात अब उनकी मान ली जाए चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त तो सब बच्चों को इतना समझ में आ गया अब मेरा बच्चा बच्चों को मैं बताना चाहता हूं इसका ले ले स्क्रीन शॉट अब अगला शासक जो बैठेगा उसका नाम भाई साहब होगा ताजाउद्दीन फिरोज जो महत्वपूर्ण चीजें बस उतना बता बताऊंगा जैसे यहां पे ये प्रश्न आता है जैसे ये भी आता है कि बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसके समय भाई साहब तालीकोटा तालीकोटा का ही नाम बन्नी या राक्षस तांगड़ी ये युद्ध हुआ कब हुआ पंद्रह में किसके किसके बीच बहमनी बहमनीयों की तरफ कौन मोहम्मद शाह भाई साहब विजयनगर की तरफ कौन विजयनगर की तरफ बुक्का क्लियर तो इतना प्रश्न पेपर में छपता है छपता है पकड़ता पकड़ता है इसको पकड़ता है इसको भाई साहब ऐसे समझ लेना ठीक है क्लियर है संतोष कुमार कह रहे नाइट तेरी <laughs> नाइट तेरी तो कमांडो है मेरा उसको कुछ मत कहना ठीक है आतंकवादियों को मैं नहीं पालूंगा यहां पे आतंकवादी सब भाग जाएंगे चलो बहुत बढ़िया श्याम सिंह राठौर आप परेशान ना हो आप पेड कोर्स लिए हैं आप वहां पे जाके देखो फिजिक्स की पीडीएफ है ठीक है और जोग्राफी की है और एशियन हिस्ट्री की भी है मिडिवल हिस्ट्री वहां पे पूरी खत्म हो रही अब बहुत जल्द मिडिवल हिस्ट्री आ रही है आपके पास वहाँ पे इंडियन ज्योग्रफी स्ट्रेटेजिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ चुकी है और एक चीज बताना चाहते हैं मैं ऐसा मास्टर हूँ आप लोगों के यहां पढ़ते रहोगे पेड कोर्स ले लोगे कमेंट करते रहोगे आपका कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा मैं ऐसा मास्टर हूँ एक एक बच्चे को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा मैं खुद से ठीक है क्लियर है यह विश्वास रखना हम पे आप केवल एक बार भरोसा करना भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है बस इतना इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं आज चालीसवा लेक्चर है अगर अब भी तुम्हें भरोसा ना हुआ ना भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन अगर भरोसा हो गया तो विश्वास करना राघव मास्टर झूठा नहीं है याद कर लेना ठीक है दुनिया बताती है तुमको ऐसा वैसा मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी जबरदस्त और जो कोर्स का वादा है कोर्स का वादा तो बहुत दूर का है भाई साहब वो चंद मिनटों में पूरा हो गया और जितने भी गए होगे ना वहां पे 200 प्लस वीडियो पढ़ चुकी हैं और टोटल 500 से 600 वीडियो त्रिशूल बैच में आनी है 500 से 600 वीडियो इस एप्लीकेशन पे जो हमारा त्रिशूल बैच है ऐसे वैसे भाई साहब नहीं है ठीक है याद कर लेना सच बोलना मैं चलो देखो नाइट बोर्ड भी बता रहा है अच्छे से अगर जीके जीएस और पढ़नी है त्रिशूल बैच ज्वाइन करें कांटेक्ट नंबर भी दिया है चलो फटाक से इसका स्क्रीन शॉट ले ले भाई स्क्रीन शॉट ले ले फिर बच्चा बात करते आगे की तरफ और जल्दी से फिर बात करते आगे की तरफ तो फटाक से बच्चों सभी बच्चों से बस इतना कहना चाहते हैं एक बार भाई साहब आपको क्या करना है वीडियो को बस पकड़ के दबा के शेयर करनी है और तुमको कुछ नहीं करना भाई इतना तो काम कर ही सकते हो है कि नहीं बहुत बढ़िया सब बच्चा करेगा बहुत प्यारा चलो देखो एक बहुत बड़ी बात बताने चाहते हैं अपने सारे बिटिया सारे बउआ सारे बहने सारे भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं सुनना मेरी बात को सुनना भाई साहब सुनना चाहते हो नहीं जाते हो अच्छा सुनना चाहते हो सुन लो मेरे भाई ठीक है देखो अगर अपने आप को कामयाब तुम देखना चाहते हो अगर अपने आप को अगर अपने आप को कामयाब आप देखना चाहते हो तो जिस प्रकार सभी कथावाचक बापू लोग बताते हैं भगवान का भजन करो हरि का नाम लो राम का नाम लो अल्लाह का नाम लो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी लेकिन राघव सर आपको बताना चाहते हैं वो तो भाई साहब जीवन में सफल होना चाहते हैं अगर आपको कामयाब होना है किसी भी फील्ड में चाहे विद्यार्थी जीवन हो चाहे गृहस्थ जीवन हो चाहे नौकरी में हो चाहे पैसे में हो चाहे व्यापार में हो पलथी मार के ऐसे बैठ जाना मैं बैठ तो नहीं पाऊंगा लेकिन ये पैर ऐसे बैठ जाना सुबह शाम सुबह शाम बस तीन, तीन तीन बार बोलना मंत्र तो भाई साहब कितने लोग जानना चाहते हैं वो मंत्र कौन सा है अगर तुम्हें सफल होना है तो बताओ एक बार कमेंट करके कितने लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि राघव सर वो मंत्र बता दें कि तीन, तीन तीन बार ये मंत्र बोलना है और वो सफल हो जाओगे आप फटाओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोग भाई साहब चाहते हैं कि राघो सर आपको वो मंत्र बता दें देखते हैं कोई नहीं चाहता अरे यार ऐसा भी बताओगे कुमार आर्यन गौंड अच्छा सब बच्चे चाहते हैं बहुत बढ़िया मंत्र बताऊं, बिल्कुल सब बच्चों को बताऊं, भाई साहब पक्का मंत्र बताने जा रहा हूं सफल होने के लिए पलथी मार के बैठ जाना पलथी मार के बैठ जाना सुबह शाम बस आपको तीन तीन बार मंत्रों का उच्चारण करना है भाड़ में गई दुनिया भाड़ में गई दुनिया भाड़ में गई दुनिया सफल हो जाओगे के। केवल तीन तीन बार सुबह शाम डेली ये मंत्र उच्चारण कर लेना जीवन में ना सफल हो जाना तो बताना क्योंकि भाई साहब हम असफल क्यों है दुनिया को देख रहे हैं दुनिया को दुन, मम्मी क्या कहेंगी पापा क्या कहेंगे चाचा क्या कहेंगे सब लोग क्या कहेंगे भाई साहब बात ये है ठीक है तो वही कहना चाहते हैं बस आपको हमारा मंत्र अप्लाई करना है अगर तुम्हें सफल होना है भाई ठीक भाड़ में गई दुनिया भाड़ में गई दुनिया भाड़ में गई दुनिया कोई कठिन मंत्र नहीं है बिल्कुल भाई साहब सरल मंत्र है ठीक है चलो बहुत बढ़िया हाँ किसी को बुरा तो नहीं लगा नहीं लगेगा भाई साहब हां भाड़ में गई भाड़ में गई गो टू हेल ठीक है चलो फिर बात करते भाई साहब अगले शासक की तरफ तो अगला शासक देख लेते हैं बहमनी साम्राज्य में पहले तो यहां पे बहमनी वंश लगा दें क्योंकि जो बच्चे नए आएंगे उनको पता चलता रहेगा क्या तो चल रहा है नहीं तो माछी मारेंगे बैठ के चलो तो बैमनी साम्राज्य में भाई साहब जो अगला शासक यहां पर आता है उसका नाम है ताजुद्दीन फिरोज ताजुद्दीन फिरोज ये अगला शासक बैठा अब इसके समय में देखो क्या क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम हुए सबसे पहला काम क्या हुआ भाई साहब इसने इसने विजयनगर के राजा विजयनगर के राजा देवराय प्रथम विजयनगर के राजा देवराय प्रथम को पराजित किया पहला पेपर में प्रश्न यही आता है भाई साहब कि कौन सा ऐसा राजा था बहमनी साम्राज्य का जिसने विजयनगर के राजा देवराय प्रथम को पराजित किया था तो ताजुद्दीन फिरोज फिर बेटा अगला प्रश्न आता है भाई साहब जब इनको पराजित किया तो इनकी पुत्री से विवाह भी किया इनकी पुत्री से विवाह भी किया तो यहां से भाई साहब संबंध कैसे हो गए एक मुसलमान और एक हिंदू मतलब हिंदू और मुस्लिम में विवाह यहां पे हमें सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कि बहमनी साम्राज्य का राजा ताजुद्दीन फिरोज और देवराय प्रथम की पुत्री मतलब बिटिया से संबंध हो गए क्लियर है तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई क्लियर है फिर बात समझना बहुत ध्यान से जैसे या ताजुद्दीन फिरोज यह बहुत अच्छा लिखता था या बहुत अच्छा लिखता था तो भाई साहब इसकी एक उपाधि पड़ गई बचपन में हम लोग लिखते थे या राइटिंग अच्छी नहीं बनती थी मम्मी पापा कहते थे सुलेख लिखा करो चार पांच पन्ना क्या कहते थे सुलेख लिखा करो तो भाई साहब ये इतना अच्छा लिखता था ये इतना अच्छा लिखता था कि भाई साहब इसकी एक उपाधि हो गई उस उपाधि का नाम क्या पड़ा सुलेखक सुलेखक कैसे नहीं याद रहेगा यार जबरदस्त तरीके से तो याद कराता हूं तो मैं अभी भी नहीं याद होगा तो बेकार है ना तो भाई साहब सुलेखक सुलेखक किसका टाइटल था ताजुद्दीन फिरोज का क्यों क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लिखता था मतलब मन मोहित हो जाता था भाई साहब ठीक है चलिए इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल हाँ मनोज जी सर व्हाइट स्क्रीन में पढ़ाइए प्रिंट करने में ब्लैकिंग ज्यादा लग रही मनोज जी आपको मैं प्रणाम करता हूं बेटा आप मतलब यहां से स्क्रीन शॉट लेके उसके बाद प्रिंट करना है आपको मान गए आलस्य को सलाम करते हैं आपके आलस्य को भाई साहब अगर आप इतना भी ना लिख पाओ ना छोड़ दो तो पढ़ाई वढ़ाई यार पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं यहां पे मेरे पास क्या बात है यार चलो छोड़ो ताजुद्दीन फिरोज ने एक काम और किया था फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी फिरोजाबाद नगर की स्थापना किस नदी के तट पे भाई साहब भीमा नदी के तट पे भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की थी किसने की थी वो की थी ताजुद्दीन फिरोज ने फिर एक अगला प्रश्न आता है कि ताजुद्दीन फिरोज ने दौलताबाद के निकट दौलताबाद के निकट जो गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था के निकट एक बेधशाला बनवाई थी बेधशाला जहां से दु, जहां दूरबीने बिने रखी रहती थी काम क्लियर है तो इतनी बातें आपको दिल दिमाग में उतर गई होंगी ठीक है चलो इतनी बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया फिर बात समझना इसे कई सारी भाषाओं का ज्ञान था फारसी अरबी तुर्की मराठी तेलुगु कन्नड़ इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान था तो पेपर में प्रश्न आता है बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसे कई भाषाओं का जिसे कई जिसे कई भाषाओं का ज्ञान था भाई साहब कौन सा शासक था उसका नाम था ताजाउद्दीन फिरोज क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त मजा आ रहा है हाँ बहुत बढ़िया सूरज प्रजापति यशिता अज्जी यह सब अच्छी लग रही है अरे बहुत अच्छी लगी बेटा ठीक है चलिए और जिन बच्चों ने त्रिशूल बैच ज्वाइन किया वो तो पूरी जीएस उड़ा चुके हैं चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त सब बच्चों को समझ में आ गया तो तजाउद्दीन फिरोज के बारे में इतनी बातें हैं फिर अब हम लोग बात करेंगे सिहाबुद्दीन अहमद शाह के बारे में तो फटाक से इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो और भाई साहब जिन बच्चों ने अभी भी त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया है वो तो त्रिशूल बैच तुरंत ज्वाइन कर लें स्टडी पाई अप्लीकेशन को डाउनलोड करके ठीक स्टडी पाई अप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर त्रिशूल बैच के बारे में आपको जानकारी पूरी की पूरी एक बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी चलिए जबरदस्त हर एक बच्चे को उम्मीद करते कॉन्सेप्ट पूरा दिल दो दिमाग में उतर गया होगा और समझ में भी आ रहा होगा ममता मिश्रा सर आपकी राइटिंग के आगे कंप्यूटर भी फेल है अच्छा ये भी बात है चलिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव बेटा चलिए चलिए क्लियर है देखो नाइट बोट हट गया ठीक है चलिए हाँ, जबरदस्त चलो फिर आगे बढ़े सियाबुद्दीन अहमद शाह अगला जो शासक भाई साहब यहां पे बैठेगा बहमनी साम्राज्य में उसका नाम होगा सियाबुद्दीन अहमद शाह इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया जो पेपर में प्रश्न भी आता है क्या आता है तो देख लो इसने सबसे पहले तो कैपिटल चेंज कर दी इसने सबसे पहले तो काम क्या कर दिया कैपिटल ही चेंज कर दी कैपिटल क्या चेंज की भाई साहब इसने गुलबरगा से राजधानी क्या बना दी बीदर को गुलबर्गा से इसने राजधानी बना दी किसको बीदर को क्लियर है अब यहीं पे याद रखिएगा बहुत अच्छे से बीदर का नाम भी चेंज किया इसने बाद में मोहमदाबाद हमदाबाद क्लियर भाई साहब गुलबर्गा से बीदर राजधानी किसने बनाई अपनी तो सियाबुद्दीन अहमद शाह ने क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अजय बरवार राजेश बहुत बढ़िया जबरदस्त समझ में आ रहा है क्या बात है बेटा अरे यार बस पढ़ते रहो क्या चाहिए ना चलो फिर देखो भाई साहब ये बहुत उदार सा बहुत उदार शासक था और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं उदार शासक तो था ही इसे गरीबों का मसीहा कहते थे गरीबों का मसीहा इसकी उपाधि थी क्लियर है एक और इसकी उपाधि थी अबला बाबा अबला बाबा अबला बाबा भी इसकी उपाधि थी और गरीबों का मसीहा भी इसकी उपाधि थी तो इस प्रकार भाई साहब ये पूरा का पूरा उम्मीद करते समझ में आ गई होगी क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया अब है जी क्या बात है हाँ यार तुम लोग को शेयर करते रहो यार ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे और क्या होगा यार है ना मज़ेदार बहुत बढ़िया फिर अगला शासक देखेंगे अंतिम शासक जिसका नाम है महमूद शाह तृती महमूद शाह तृती के बारे में हम लोग जानेंगे तो फटाक से भाई साहब वीडियो को क्या करो एक बार लाइक करो शेयर करो जबरदस्त तरीके से ठीक महमूद शाह तृतीय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो बहमनी साम्राज्य का अंतिम वंश अंतिम शासक बनेगा ठीक है चलो फटाक से इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर बात करते हैं आगे की तरफ अच्छा सुमी गुप्ता आप नेपाल से पढ़नी है बहुत बढ़िया बेटा धन्यवाद शिवम राज गुप्ता थैंक यू बेटा ममता आशा चौधरी निश, निशा चौधरी जबरदस्त निधि ओझा हाँ बहुत बढ़िया हाँ सर कल, कल क्लास होगी कल क्लास नहीं होगी मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अब आप जो आपकी लूसेंट की क्लास होगी शाम को सात बजे वो मंडे टू मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे टोटल पाँच क्लासें आपको मिलेंगी कितनी मिलेंगी पांच क्लासें आपको टोटल मिलेंगी अगर मान लो जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा कराना होगा तब मैं सैटरडे संडे को क्लास लूंगा वरना अब सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा ठीक है चलिए ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग जबरदस्त हम्म हम्म मिलो तो तुम बताओगे चलो इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन अच्छा, बात कर दीजिए अरे यार क्या बात है जबरदस्त ऐसा सब हो जाएगा कोई परेशान देखो उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान समझ में आया उम्मीदों से बंधा उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है तो कहने का मतलब है जो इंसान है बस उम्मीद से बंधा हुआ भाई साहब परिंदा है उम्मीद ही उसे तोड़ती है और उम्मीद ही उसे मजबूत बनाती है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया विजेता विक्रम हम बिहार वाला गुरु जी प्रणाम बेटा खुश रहो हम्म जबरदस्त फिर भैया फिर आगे बात करें हाँ जबरदस्त समझ में आ गया हाँ बेटा लास्ट देखते हैं मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह तरती बहुत ही जबर जबरदस्त है और ये सबसे पहली बात तो ये अंतिम है इतनी बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया जबरदस्त हम जबरदस्त हां लाइक शेयर कर रहे हो? थैंक यू थैंक यू सो मच बड़ा थैंक यू चलो क्या कर बिहार के बंका से चलो हम भी उन्नाव के उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आपको भाई साहब बहुत सारा प्यार जो आप हमें इतना प्यार देते हो बस एक बार जबरदस्त प्यार दे दो ना सब जगह भाई साहब फेंक देना मज़ा आ जाएगा ठीक है चल फिर बात सुनना बहुत ध्यान से मोहम्मद सात तती ने एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी जिसको वजीर के नाम से जानते थे एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की और उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति का नाम क्या रखा महमूद गावा महमूद गावा क्लियर है महमूद गावा को मोहम्मद सात्रती ने अपना प्रधानमंत्री या वजीर बनाया जो इसके पूरा का पूरा काम किसने किया महमूद गावा नहीं किया महमूद गावा का एक प्रकार से कह सकते हो अन्य नाम या टाइटल आप लिख सकते हो ख्वाजा जहां ख्वाजा जहा ठीक है फिर भाई आगे बात सोना महमूद गावा ने क्या किया महमूद गावा ने भाई साहब बहुत अच्छा काम किया एक बीदर में एक मदरसा बनवाया जिसको कहते हैं एक तरह से कह सकते हो मदरसा मतलब जहां पे मुस्लिम लोग पढ़ने उड़ने जाएंगे ना मतलब एक प्रकार से कह सकते हो महाविद्यालय ये पेपर में आ चुका पेपर में भी आया ये मदरसा कितने मंजिला था तो भाई साहब तीन मंजिला था और ये इतना बड़ा मंजिला था तीन मंजिला था जिसमें एक हजार छात्र और शिक्षक छात्र और शिक्षक मतलब टीचर एंड स्टूडेंट एक साथ रह सकते थे कहाँ रह सकते थे भाई साहब बीदर में बीदर एक तरह से कह सकते हो भाई साहब जो राजधानी परिवर्तित की थी सियाबुद्दीन अहमद शाह ने क्लियर है तो उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हाँ इतनी बात समझ में आ गई जबरदस्त फिर बात समझना बहुत से बीदर में देखो पेपर बहुत प्यारा प्रश्न है बहमनी साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसके समय में उसका प्रधानमंत्री कई सारे कार्यों को किया तो मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री महमूद गावा ठीक है इतनी बात समझ में आ गई तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है फिर बात समझना इसने इतने सारे काम किए कि मोहम्मद शाह त्रती ने इसकी क्या करवा दी मोहम्मद शाह त्रती ने इसकी हत्या करवा दी खल्लास मतलब हत्या क्या मृत्युदंड दे दिया फांसी दिलवा दी इसको तो भाई साहब जब फांसी दिलवा दी उसके बाद पूरा का पूरा बहमनी साम्राज्य का एक तरह से कह सकते हो पतन टाइप पतन पूरा बेकार हो गया मतलब हत्या होने के बाद बहमनी साम्राज्य पता क्या हो गया बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य जो पूरा का पूरा दक्कन वाले इलाके में था वो पांच राजवंशों में बट गया छोटे छोटे एक का नाम था बीजापुर एक का नाम था गोलकुंडा एक का नाम था बीदर एक का नाम था बरार एक का नाम था अहमदनगर चांद बीबी वाला मामला तो सुने ही हो गए वह अहमदनगर का ही मामला था क्लियर है अहमदनगर बरार गोलकुंडा बीजापुर बीदर ये पांच राजवंशों में छोटे छोटे राजवंशों में बहमनी साम्राज्य टूट गया और जब ये यह, जब यहां से टूट गया भाई साहब पूरा का पूरा मामला यहाँ पे क्या हो गया बिखर गया एक प्रकार से और सब फिर अपना अपना अलग अलग स्थापित किए सबके अलग अलग संस्थापक हो गए जैसे बीजापुर के यूसिफ आदिल शाह अहमदनगर के मालिक अहमद और बीदर के भाई साहब आमिर अली बरीद ठीक है इसी प्रकार सबके अलग, सब अलग अलग हो गए और गोलकुंडा का पता ही होगा कुली कुतुब सब सबके अलग अलग हो गए तो याद रखेगा चलो यहीं पे ले लो यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह कुली क़ुतुब शाह क्लियर है फिर अहमदनगर की यात्रा मलिक अहमद ठीक। अब बचा क्या बीदर बीदर की आमिर अली बरीद ठीक इतनी बात सुनवा की और इमाद शाह बरार के फतेहल्ला इमाद साह भाई साहब जो बामनी साम्राज्य पाँच भागों में बांट गया पाँचों के अलग अलग अपने अपने संस्थापक हो गए क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त हाँ यार जिनका लाइक शेयर रह गया वो दबा देना ठीक है चलो और भाई साहब ज़्यादा ज़्यादा यार कोशिश क्यों करो बिट्टू को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो यार मज़ा नहीं आता इससे ज्यादा प्यार तो तुम पहले देते थे यार अब प्यार कम कर दिए लेवल घटा दिए हमारा है ना तो ऐसा अगर करोगे तो वही वाला हाल है हिस्ट्री रोक के दूसरा सब्जेक्ट चालू करना पड़ेगा है ना? दूसरा चालू करना पड़ेगा चलो रवि सिंह आपका भी नाम ले लिया कल तो आप हमारे मॉनिटर थे ठीक है रूबी सिंह सपना रावल निधि ओझा बिल्कुल वैष्णवी अग्निहोत्री चंद्रेश मिश्रा धनंजय हाँ अगर देखो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर नहीं होगा ना वही है हिस्ट्री रोकनी पड़ेगी फिर आगे बात करी जाएगी दूसरे सब्जेक्ट में टुकड़ों मामला चलेगा जैसे चलता है सब लोग चलाते हैं ना क्यों यार हमें इतनी मेहनत करें फालतू का नहीं सिद्धार्थ जी आपका कहना तो उचित है सीरियल से चलो मैंने सीरियल से चलने का प्लान बनाया बट आप लोग अब देखो यार हर इंसान है हर इंसान जैसे आज चालीसवा लेक्चर है ठीक है तो थोड़ा सा यार उसको लगता है लगना चाहिए कि हाँ आप उसका भी प्रोग्रेस हो रहा जैसा आपका प्रोग्रेस हो रहा पढ़ के तो मुझे भी फील होना चाहिए यार मेरा प्रोग्रेस हो रहा वरना मेरे पढ़ाने का यार फिर ना पढ़ाने का डिफरेंस क्या रह जाएगा कोई फ़ायदा है नहीं है बात ये है कि तो बात यह है मामा बाकी थोड़े कुछ कह रहे हैं यार चल तो उम्मीद करते हैं इतने बच्चों को सब समझ में आ गया होगा और देखो जिन बच्चों ने अभी त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया है त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लें स्टडी पाई ऐप पर और त्रिशूल बैच से संबंधित कोई डाउट हो तो भाई साहब तुरंत इस नंबर पर कॉल करें त्रिशूल बैच से कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करें त्रिशूल बैच आपको यहाँ पे ऑफर भी मिल जाएगा ठीक है तो आप इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच के साथ अभी भी ज्वाइन हो सकते हो हमारा बहुत बढ़िया बैच है ये त्रिशूल बैच ये मान लेना और मैथ और जीएस जिसको पढ़नी है तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लें ठीक है चलिए तो उम्मीद करते भाई साहब इस बैच में जो भी बंदा आएगा झक्कास मजा आ जाएगा उसको ठीक है चलो भाई साहब अब जाने का वक्त आ गया विदा लेने का ना चलो निधि जी अच्छा आपने लिया है बहुत बढ़िया जबरदस्त हाँ मैंने कहा था ना कल से मैं पॉइंट दूंगा तो मैं पॉइंट नोटिस कर रहा हूँ कौन शुरू से लेकर अंत तक का क्लास में बना रहता है ठीक है चलिए साथियों विदा लेते हैं मिलते हैं आपको ठीक अब क्लास कब होगी बताओ जरा बार बच्चों को हम बता दें क्लास कब होनी है नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कब होनी है भाई साहब हमारा टाइमिंग तो आपको पता चली गया मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे भाई साहब टाइमिंग क्या है सात तो आज तो फ्राइडे था कल सैटरडे संडे कल ऑफ रहेगा कल भी ऑफ रहेगा परसों भी ऑफ रहेगा ठीक है चलिए तो हाँ सब बच्चों को पता है ना मंडे को क्लास होगी बिल्कुल बहुत बढ़िया मंडे को सात बजे सब बच्चों को आना है ठीक है चलिए मंडे को सात बजे सब बच्चों को आना है ठीक है चलिए मनोज जी मैं वाइट स्क्रीन में नहीं पढ़ाता ठीक मुझे ब्लैक पसंद है अब बताइए आप ठीक है चलिए मुझे व्हाइट नहीं पसंद है मुझे ब्लैक पसंद है साथियों विदा लेते हैं मिलते हैं आपको सोमवार को सोमवार को ठीक है सोमवार को कितने बजे पता है सात बजे तब तक के लिए जय हिंद